69,000 शिक्षक भर्ती पर लगी रोक, अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने के लिए दिया गया एक सप्ताह का समय। मुरादाबाद के बीएसए ने शासन से पत्र न आने का हवाला देते हुए जारी रखी काउंसलिंग। उत्तर प्रदेश परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अभ्यर्थी विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के सामने पेश कर रहे हैं। सरकार इन आपत्तियों का यूजीसी से निस्तारण करवाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय ने 9 मई को संशोधित उत्तरमाला और 12 मई को परिणाम जारी किया था, लेकिन एक दो नंबर से फेल हो रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने तकरीबन एक दर्जन प्रश्नों के उत्तरों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ में 200 से अधिक याचिकाएं दाखिल की थी। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए 3 जून से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो रही थी। काउंसलिंग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित होना था। काउंसलिंग 6 जून तक चलनी थी। इससे पहले सोमवार को उम्मीदवारों को जिला आवंटित कर दिए गए थे। मुरादाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार ने काउंसलिंग के लिए आए अभ्यर्थियों को कोर्ट के आदेश पर लौटाया नहीं अपितु काउंसलिंग जारी रखी। उनका कहना था कि अभी शासन से उन्हें कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ, लिहाजा काउंसलिंग जारी है। मुरादाबाद से सरफराज सैफी की रिपोर्ट। बेटा पढ़ना था। मैं कॉटेज में बेटा। मेरा नाम शुभम प्रजापति है। ये 2018 की 69,000 शिक्षक भर्ती थी जिसकी यहाँ पर काउंसलिंग चल रही है 75 जिलों में। हम लोग भी सहारनपुर से रात को आए थे, लेट नाइट आए हैं काउंसलिंग के लिए। स्टे के बारे में भी ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं मिली है जहाँ पर काउंसलिंग हो रही है कॉलेज में, जिस कॉलेज में अभी मैं मुरादाबाद ज़िले में उपस्थित हूँ। और मुरादाबाद ज़िले में जिस जगह काउंसलिंग हो रही है, जिस कॉलेज में काउंसलिंग हो रही है, उस जिले अभी कॉलेज में कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि भर्ती पर स्टे हुआ है। बट हम लोग जो यूट्यूब्स की वीडियो देखते हैं उसके माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि भर्ती पर स्टे हुआ है। और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार इस चैलेंज को डबल बेंच में चैलेंज करे और भर्ती परीक्षा को संपूर्ण करे, और जो 6 जून को जो अपना नियुक्ति दिवस था वो बरकरार रहे, बच्चों को 6 जून को नियुक्ति का पत्र मिले। ये काउंसलिंग जो 3 जून से 6 जून के बीच के में काउंसलिंग का प्रक्रिया प्रकरण है। ये 2018 में वैकेंसी निकली थी, 69,000 वैकेंसी निकली थी। गवर्नमेंट से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार इस चैलेंज को डबल बेंच में चैलेंज करे। जो कोर्ट का आदेश आया भर्ती पर स्टे का जो आदेश आया, स्टे को डबल बेंच में चैलेंज करे और भर्ती प्रक्रिया उसे संपूर्ण करे।
मेरा नाम निदा तस्लीम है। हम यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग के लिए आए हैं, मुरादाबाद से आए हैं। 69,000 ये वैकेंसी 1.5 साल पहले निकली थी, लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आ पाया था, रुका हुआ था, अभी भी इस पे स्टे आया है। हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्दी पूरी हो जाए भर्ती, इस टेस्ट के ऊपर से हट जाए, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं 1.5 साल से। अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी तो कोई सूचना नहीं मिली, क्योंकि हम सुबह से यहीं बिजी हैं। 10 बजे 4 बजे तक। ये 69,000 जो सहायक अध्यापकों की भर्ती उत्तर प्रदेश में हो रही है, उसी के क्रम में मुरादाबाद में 732 अध्यापकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग हो रही है। सर, वैकेंसी कब की थी? ये वैकेंसी 1 साल पहले की थी। और इसमें सर कोटा स्टे भी आया उसके बारे में? जी, हमें जानकारी नहीं है इस बारे में, हमें विभाग द्वारा अभी काउंसलिंग के लिए ही कहा गया है। कब तक चलेगी काउंसलिंग? ये 3 जून से 6 जून तक चलेगी। जी, हमें विभाग से अभी कोई सूचना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का जितना हो पा रहा है उतना हम पालन करवा रहे हैं। सर, क्या मानते हैं हाईकोर्ट के जाने के बाद? जी, ऐसा नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन हम सभी लोग करते हैं, विभाग से अभी कोई सूचना नहीं है हमारे पास। यहाँ 732 वैकेंसी। योगेंद्र कुमार जी। हाँ, मुरादाबाद में सिर्फ मुरादाबाद जिले की काउंसलिंग है।